एक ध्यान है सावधानी, किसी भी काम को जब आप सावधानी पूर्वक करते हैं वह काम व्यवस्थित होता है और पूर्णता प्रदान करता है। आप सब भी अपने घरों में बच्चों को कहा करते हैं ध्यान से पढ़ो, किसी काम के लिए भेजते हैं ये भी कहते हैं ध्यान से सड़क पार करना। सब जगह ध्यान आप कहीं भी लगा सकते हैं। ध्यान को आप किसी भी काम में लगाएं वह काम अच्छा होगा, लेकिन इस ध्यान को कहते हैं सावधानी, अटेंशन। लेकिन जो साधना करके जो हम लोग जिस ध्यान की बात कहते हैं वो सावधानी नहीं है, निर्विचारता है, इसीलिए उसको कहते हैं मेडिटेशन। वो है मेडिटेशन, अर्थात वह ध्यान जो निर्विचारता के लिए हो, निःशब्द, शब्दातीत। कल चर्चा हुई थी कि मन जोड़ता है, यादों से हम संबंध बनाते हैं। जब घटनाओं की याद आती है, लोगों की याद आती है, वस्तुओं की याद आती है और संबंध बन जाता है। यदि घटना अच्छी है तो अच्छा महसूस करते हैं, घटना बुरी है अच्छा महसूस नहीं करते हैं। लेकिन कोई याद ना हो, कोई जुड़ाव ना हो तो उससे असंबंध हो जाता है। तो ध्यान ऐसा नहीं है कि किसी को जबरदस्ती करवाया जा सकेगा या हम स्वयं अपने जीवन में जबरदस्ती ध्यान ले आएंगे, ऐसा नहीं होता है। किसी आदमी को अन्य काम तो आप दबाव पूर्वक करवा भी सकते हैं। आपका कोई मातहत हो, आपका कोई अनुगामी हो, छोटा हो आपसे, तो फिर आप उन्हें कहेंगे यह काम करो, उनका मन नहीं होगा फिर भी करेगा, क्योंकि हो सकता है उनको ये अंदर में डर हो या आप भय ही दें, ये नहीं करोगे तो नौकरी से निकाल दूंगा, ये नहीं करोगे तो पिटाई करूंगा, ऐसा नहीं करोगे तो खाना नहीं दूंगा, रुपये नहीं दूंगा। तो करना है, झाड़ू लगाओ, भोजन बनाओ, कपड़ा धो, कर देगा। मन नहीं है कर देगा, लेकिन किसी से कहो ध्यान करो नहीं तो फिर पिटाई करूंगा, तो बैठ जाएगा। पिटाई ना हो इसलिए बैठ तो जाएगा, और जैसा हम लोग बैठे हैं सीधे बैठ जाएगा, आंखें भी बंद कर लेगा लेकिन अंदर अंदर गाली देगा, मुझे ज़बरदस्ती ध्यान में बैठाए हैं। ज़बरदस्ती नहीं करवाया जा सकता है। इसी प्रकार से आप भी अपने भीतर ज़बरदस्ती ध्यान को नहीं ला सकते। यहाँ जैसे हम लोग बैठे और क्या कर रहे हैं, एक प्रकार से अभ्यास है ये। अभ्यास में क्या कर रहे हैं, श्वास को देखें। कई बार तो मन में होता होगा क्या बताएं, फिर चला जाता है मन, फिर वही बात सोच रहा है, फिर वही बात। ये मन का काम ही है सोचना, पिष्ट पेषण, पिसे हुए को पीसना,
इसी को कहते हैं पिष्ट पेषण। जैसे गेहूं है, पीस दिए, आटा बन गया, अब पीसने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मन ऐसा नहीं है, एक बार किसी बात को सोचा, हो गया ना, लेकिन फिर सोचेगा, फिर सोचेगा, फिर सोचेगा, बार बार याद करता है। और यही हमारे लिए ध्यान की आवश्यकता क्यों है, इसी के लिए है। आप भी महसूस करते, सभी महसूस करते हैं, कुछ ऐसे विचार मन में कौंधते हैं कि हम नहीं चाहते कि वो आए, और फिर भी आते हैं, यही तो है। गुरुदेव जी ने लिखा है, विवस्ता ही बंधन है, विवस्ता ही बंधन है। बंधन कोई आप और हम किसी रस्सी से थोड़े बंधे हैं, कोई जंजीर से थोड़े बंधे हैं। सद्गुरु कबीर ने तो ये बात कही भी है, बिन रसरी गर सकलो बंधा, तासो बंधा अलेख, दीना दर्पण हस्त में चश्म बिना क्या देख। बहु बंधन से बांधिया एक बिचारा जीव, की बल छूटे आपने कीरे छुड़ावै पीव। ये बीजक की पंक्तियाँ हैं। बहुत बंधन से बंधा है, अनेकों बंधन हैं, कौन छुड़ाएगा, कैसे होगा, या तो स्वयं या तो किसी के निर्देश मिले और उस निर्देश का पालन करें तभी छूटेगा। साहब कहते हैं कि वो दिखाई नहीं दे, बिन रसरी कर सकलो बंदा, बिना रस्सी के सबके सबका गला बंधा हुआ है। तासो बंधा अलेख, अलेख का मतलब जो देखने में ना आए। तासो किससे बंधा, साहब ने कहा सबसे सबकी रस्सी बंधी हुई है, लेकिन वो रस्सी कही है? देखने में नहीं आती है। कैसे देखने में नहीं आती है, ये उदाहरण आप देते हैं, दीना दर्पण हस्त में चश्म बिना क्या देख। अंधे के हाथ में दर्पण दे दो, चश्म आँख, चश्म मतलब चक्षु, चक्षु के बिना आप दर्पण हो चेहरा देख पाएंगे, नहीं देख सकते हैं। ऐसे ही ज्ञान नेत्र तो है नहीं है, समझ तो है नहीं है, हमारा बंधन ही हम नहीं जान पाते। और ये सच है, जिस दिन बंधन का परिचय हुआ उस दिन आप बंधन से मुक्त होने वाला काम कर लेंगे। अभी तो पता ही नहीं है, कहाँ दुख के बारे में जानकारी है। जग दुख देखब कठिन है और सहज सब बात, सद्गुरु विशाल देव ने ये बात कही है, जग दुख देखब कठिन है। बुद्ध ने कहा दुख दिखाई देता है, नहीं दिखाई देता है, बड़ा रमणीय लगता है, बहुत रमणीय। शुभानुपस्सिम विहरंतम, ये तथागत बुद्ध ने कहा, शुभानुपस्सिम विहरंतम, शुभ सब तरफ शुभ देखते देखते विहार करता है, सब तरफ सुख 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 सुख। लेकिन जहाँ आप सुख मान रहे हैं उसी के नीचे दुख छिपा हुआ है, दुख छिपा है। इसलिए आकर्षित हो करके आप दुनिया को देखते हैं, भोगों को भोगते हैं, वही तो दुख है। यदि ये समझ में आए दुख है, सावधान हो जाएगा आदमी। शराबी को शराब में दुख कहाँ दिखाई देता है, गुटखा खाने वाले को गुटखा में दुख कहाँ दिखाई देता है, किसी भी भोग में कोई लगता है, अधिक खाना, बहुत मिर्च मसाला नुकसान करेगा, पता ही नहीं चलता है उस समय, पता ही नहीं चलता है। चोरी करता है, हिंसा करता है, व्यभिचार करता है, दुख दिखाई देता है। दीना दर्पण हस्त में चश्म बिना क्या देख, दिखाई नहीं देता है। साहब ने कहा ना, सद्गुरु विशाल देव ने,
जग दुख देखब कठिन है और सहज सब बात। देह भाव दोष बिन कैसे निज को भात, ऐसे कुछ है, कैसे भाएगा वो। और इसीलिए सद्गुरु श्री पूरण साहेब जी ने पंक्ति कही है, दोष दृष्टि जब ही भई तब उपजो वैराग। दोष दृष्टि, अब दोष का मतलब यहाँ का अलग भाव है, जब वो भाव दिखे तो पता चलेगा। तो दिखाई तो दे नहीं रहा है बंधन, मैंने कहा ना दिखाई नहीं देता है। सदगुरु गुरुदेव जी ने लिखा है बीजक में व्याख्या करते समय, विवस्ता ही बंधन है। हम नहीं चाहते कि याद आए फिर भी याद आते हैं। कई बार आप देखेंगे मन की दशा कैसी है, जैसे किसी व्यक्ति को आप चाहेंगे कि आप मैं पसंद नहीं करता तुम चले जाओ यहाँ से, चला जाएगा। वो कहेगा मैं नहीं जाऊँगा, तो आप ही अलग हो जाएंगे। तो व्यक्ति से आप अलग हो सकते हैं, वस्तु से अलग हो सकते हैं, जगह से अलग हो सकते हैं, लेकिन आपके मन में विचार आए चले जा रहे हैं। आपका हटो यहाँ से कह के देखो जरा से, वो और पकड़ लेगा। जितना आप अपने मन के विचारों को हटाना चाहेंगे उतने आप जकड़ते चले जाएंगे, जकड़ते चले। ये सबका अनुभव है, सबका। क्योंकि कहते ये फिर क्यों आता है, होता वही है, जिसका विरोध करते हैं उसके आप जुड़ाव में आ जाते हैं। क्योंकि आखिर में विरोध करने के लिए भी तो संबंध चाहिए भाई। अच्छा लड़ाई करेंगे तो कैसे लड़ाई करेंगे, लड़ाई है इसका मतलब संबंध है, राग है इसका मतलब संबंध है। तो आप नहीं हटा पाते, और यही व्यवस्था है। जैसे मैंने कहा ना, शराब पीने वाले को भी कई बार महसूस होता है नहीं पीऊँगा, लेकिन विवश है वो फिर से पीना। ऐसे ही गुटखा खाने वाले, कई बार क्रोध करने की बात आई, क्रोध की भी आप, जब क्रोध पूरा हो जाता है अर्थात क्रोध से जब अलग होता है महसूस होता है अरे क्या हो गया, नहीं करना चाहिए। और ये भी सोचता है मन में नहीं करूँगा, आगे नहीं करूँगा, फिर करता है। यही विवस्ता है, यही बंधन है, विवश। इस विवस्ता से ऊपर उठना है, अपने नियंत्रण में लेना है। सद्गुरु विशाल देव ने ये बात कही है, नहीं चाहत जग याद करन हम इंद्रिय मन लाय करत खबरो, गुरुदेव दयाल द्रवित गुरु हो। हे गुरुदेव, मैं नहीं चाहता ये जगत के संदेश मेरे भीतर आए, लेकिन ये इंद्रियां, ये मन जबरदस्ती ला देते हैं, ला ला करके भीतर डालते हैं कि ये याद करो, वो याद करो, उसकी याद, उसकी याद, उसकी याद। क्या बताएं, उब जाता है मन। सुबह नींद खुलती है और मन का पहिया घूम जाता है, रुकने का नाम ही नहीं लेता है, बस घूम रहा है, घूम रहा है। जब तक आप जागृत अवस्था में हैं बस सोच रहे हैं, सोच रहे हैं। मन की उपस्थिति यही है, मन है इसका मतलब है सोचेगा, मन है इसका मतलब वह कल्पना करेगा, स्मृति करेगा, यही तो उसका है। मन का मतलब कोई ऐसे कोई वस्तु थोड़ी है, मन है विचारों का समुच्चय, मन है विचारों का समुच्चय। बस जैसे समाज, समाज का मतलब क्या हो गया, मनुष्यों का समूह, ऐसे मतलब मन क्या है, विचारों का समूह, विचारों का गुच्छा। जैसे गुलदस्ता, इसका फूल फूल है वहाँ, ऐसे ही विचार विचार विचार, बस यही मन है, विचारों का समूह। शब्द और विचार का मतलब शब्द और कुछ थोड़ी है, विचार
का मतलब क्या हुआ? भाषा शब्द। और इसीलिए ध्यान का मतलब है शब्दातीत, बिना भाषा के जीना, बिना शब्दों के जीना। जिस समय कोई शब्द न हो, कवि उसको कहते हैं निःशब्द। सद्गुरु कबीर ने कहा है शब्द शब्द सब कोई कहे, वो तो शब्द विदेह जिभ्या पर आवे नहीं निरख परख रह ले। वो तो शब्द विदेह, वो शब्दों से परे है, अलग है। अर्थात शब्दों से न उसे पकड़ सकते हैं, न उसकी व्याख्या कर सकते हैं, शब्दों से पार चले जाएं। और वही है मन वाणी से पार, एक ही बात है, वो कहने का ढंग है। तो वो चीज़ हमें क्या करना है, साधना के माध्यम से हम क्या कर रहे हैं, ध्यान के माध्यम से क्या कर रहे हैं, इस प्रकार बैठ करके क्या कर रहे हैं। वो जो मन है ना, बार 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 जा रहा है, क्यों जा रहा है, बेहोशी में जा रहा है और कुछ नहीं है, बेहोशी के नाते है, मूर्छा अर्थात असावधानी। कभी आप बैठ करके ऑब्जर्वेशन तो करते ही नहीं हम लोग कि चलो मन को ज़रा देखें, क्या सोच रहा है, क्यों सोच रहा है। कभी हमने उसमें क्यों कैसे की कैंची लगाई ही नहीं है। अच्छा, इसकी क्या ज़रूरत है इस समय सोचने की। चलो ठीक है, मान लो यहाँ से उठ करके जाना है और कुछ काम करना है, कब करना है, 2 घंटे बाद। अच्छा, अभी क्यों सोच रहे हैं फिर उसको। ठीक है, रात में प्लानिंग कर लिए थे, चले जाना उस समय। लेकिन वो कई बार गए, कई बार आएगा, कैसे जाऊंगा, अच्छा वहाँ कुछ होगा तब, भीड़ होगी तो, ये होगा तब, क्या ज़रूरत है। अब ये अब ध्यान नहीं दिया गया है। कई बार जो कहा जाता है अनावश्यक विचार, बैठे हैं क्या हो रहा है, पेड़ पौधे की याद आ गई, गाय बैल की याद आ गई, कुत्ते बिल्ली की याद आ गई, घर मकान की याद आ गई, खेत बाड़ी की याद आ गई, लोगों की याद आ गई। क्यों, क्या फ़ायदा इससे, कोई काम है उससे, समय की बर्बादी है, क्यों हो रहा है, असावधानी के नाते, कुछ भी आए चला जा रहा है। और कई बार तो होता क्या है, अनर्थकारी, अंदर में द्वेष, किसी की याद आ गई, उसने अन्यायपूर्ण व्यवहार किया है आपके साथ में, बस उनके साथ में लड़ाई शुरू हो गई। अब मिलेगा तो ये करूँगा, वो बताऊँगा उनको, उसको ऐसे ऐसे शब्द बोलूँगा, ऐसा मज़ा चखाऊँगा, ये करूँ। क्यों, अभी तो आदमी भी नहीं है, लेकिन हो रही है काम, इसकी क्या आवश्यकता है, ध्यान नहीं दिया गया है। जब हम साधना में बैठते हैं तो चूंकि पूर्वाभ्यास है वो, और उसको वेग है, और फिर से इसी प्रकार से होते रहते हैं। अब उस पैटर्न को चेंज करना है, बाहर से नहीं भीतर से बदलाव करना है उसको। यही तो सिस्टम है उसका, बैठे हैं क्या कहते हैं, श्वास को देखो, श्वास को देखो। अच्छा, श्वास को ही क्यों देखो, जैसे मैंने कहा था बात करेंगे इस संबंध में। देखिए, सांस आप इतना महत्वपूर्ण है ये कि आप जिंदा है इसका प्रमाण है। सांस का मतलब जोड़ने वाला, शरीर और आत्मा, शरीर और आत्मा को जोड़ने वाला। यदि सांस को खींच लें ऐसे और न जाने दे तो क्या होगा, शरीर एक तरफ होगा, आत्मा दूसरी तरफ हो जाएगी। अर्थात शरीर में से जीव का रहना तब संभव है जब श्वास चले। श्वास के अभाव में शरीर मुर्दा हो जाएगा, कुछ नहीं कर सकता है। इतना महत्वपूर्ण, कबीर साहब ने कहा है ये, ऐसा नहीं कि मैं ही बना के कह रहा हूँ, सद्गुरु कबीर ने कहा है। कहें कबीर, जब श्वास निकल गओ मंदिर अनल जरी है गए, जब जो लो श्वास रहे घट भीतर, ये है पूरी पंक्ति, जो लो श्वास रहे घट भीतर त्यो लो कुशल परी है गे। कहें कबीर, जब श्वास निकल गओ मंदिर अनल जरी है गे। सदगुरु कहते हैं जो लो श्वास रहे घट भीतर, अर्थ करने की भी ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल साफ है।
तौलो कुशल परी है गे। कहें कबीर जब श्वास निकल गयो मंदिर शरीर रूपी मंदिर अनल आग से जरी जला दिया जाता है या मिट्टी में दफना दिया जाता है गाड़ दिया जाता है। श्वास है तब देखो जब कोई बच्चा जन्म लेता है ना उस समय ये नहीं देखा जाता कि काला है कि गोरा है लंबा है कि छोटा है लड़की है कि लड़का है कैसा है। क्या देखा जाता है सांस चल रही है कि नहीं चल रही है। पहला महत्वपूर्ण क्या है गोरा होना कि सांवला होना। सांस का चलना महत्वपूर्ण है ना जन्म के बाद में। क्या देखा गया सांस चल रही है कि नहीं चल रही भाई ये कितना महत्वपूर्ण है। सबसे पहली बात है सांस का चलना। अच्छा अंतिम में मरते समय क्या करें देखते हैं लोग अंतिम जब अवस्था आती तब क्या होगा। अरे भाई अभी सांस चल रही है क्या कहेंगे सांस चल रही है अभी इसके लिए शमशान घाट की तैयारी मत करो अभी अभी सांस चल रही है होगा कि नहीं। अच्छा जब तक सांस चलेगी तब तक के लोग क्या करेंगे शमशान घाट की तैयारी कर देंगे चलो उठाओ कहीं देरी ना हो जाए। भाई अभी सांस चल रही है कैसे उठा लोगे इसको। अंतिम में भी सांस पर ध्यान प्रारंभ में भी सांस पर ध्यान और साधना में भी सांस पर ध्यान कितना महत्वपूर्ण है ये सांस पर ध्यान। अच्छा सांस पर ही क्यों मैं जो कहना चाहता हूँ फिर से कह रहा हूँ मन क्या करता है। मन क्या है अतीत की स्मृति ख्याल पुरानी बातों की याद करता है ये मन का काम ही है ख्याल करना। दो घंटे पहले की बात दो दिन दो साल 20 साल क्या बताऊँ अनेकों बहुत पुरानी बातों को भी वो ला लेता है। एक बात एक चीज़ आप जान ले समय नाम समय अपने आप में कुछ नहीं है ये सच है। ये आइंस्टीन ने भी कहा है समय सापेक्ष है। समय नाम की कोई चीज ही नहीं है। समय कोई वस्तु थोड़ी है। जैसे मैंने कल तत्वों का वर्णन किया था थोड़ा सा मिट्टी पानी आग हवा ऐसे कोई समय तत्व थोड़ी है। और समय जो हम लोग पढ़ते हैं ना वर्तमान काल भूतकाल भविष्यकाल ये सब झूठी बातें समझने के लिए बस। अतीत कहाँ है बताइए अतीत का अस्तित्व है भविष्य का अस्तित्व है नहीं है। जिसे आप अतीत कहते हैं उसे आप याद करते हैं कब याद करते हैं वर्तमान में। वर्तमान अभी याद करते हैं नहीं करते तो वर्तमान में ही तो याद करते हैं। अच्छा जब वो घटना घटी तो उस समय क्या था उस समय वर्तमान ही था जब घटना घटी तब। और अभी आप वर्तमान में याद कर रहे हैं इसी प्रकार भविष्य की बात है। आप कहेंगे कि 2 साल बाद बेटे की शादी करनी है अरे तो करनी है भविष्य की बात कह रहे हैं तो जब करेंगे तब क्या होगा वर्तमान ही होगा वो और याद भी वर्तमान में कर रहे हैं। पल एक ही है वर्तमान प्रेजेंट मोमेंट। मैंने एक पुस्तक पढ़ी द पावर ऑफ नाउ आप भी पढ़ सकते हैं बहुत अच्छी पुस्तक है। एक हार्ट अटाल की लिखी हुई है जर्मनी के लेखक थे लेकिन इस समय वो इधर अलग रहते हैं। द पावर ऑफ नाउ शक्तिमान वर्तमान क्या गजब की वो पुस्तक लिखी है उन्होंने। वर्तमान की शक्ति को देखो जरा से। उन्होंने लिखा है आप जंगल में चले जाओ और जैसे चिलगिद उड़ रहे हो पक्षी उड़ रहे हों और भी भेड़ और भी भेड़िए हैं भालू हैं बहुत से जानवर हैं उनसे कहो भैया कल मंगल था कल मंगल है या कल बुधवार है क्या मतलब है उनको कोई मतलब है कल क्या है या कहना 2 दिन पहले ऐसा हुआ था वो कहीं मजाक उड़ाएंगे वो लोग क्या बेकार की बातें करते हो। उनके लिए कोई पुरानी बात नहीं उनके लिए कोई आगे की बात नहीं जो कुछ है वर्तमान है हम उसे खींच के लाते हैं। अच्छा ख्याल करिए अभी जो मैं कह रहा हूँ आप यहाँ बैठे हैं
तो घटना 2 साल पहले घटी है, अभी आप उसे खींच के वर्तमान में ला रहे हैं ना अपने पास में, वो थोड़ी आपके पास आ रहा है, आप उसे याद कर रहे हैं। तो होता क्या है, जो हो चुकी घटना उसे आप बदल ही नहीं सकते, वर्तमान को ही खराब कर रहे हैं, हर खराब कर रहे हैं। जैसे मैंने कहा, किसी ने आपके सामान को छीन लिया था, किसी ने आपका अपमान किया था ना, अपमान हो ही गया था। अच्छा, अब याद करेंगे तो क्या वो अपमान खत्म हो जाएगा उस समय का? क्या वो आपके सामान जो छीन लिया गया था वो कुछ हो गया उस समय? वो तो हो ही गया था फिर, लेकिन उसकी याद कर रहे हैं हम उसको अभी, मतलब हम उसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। अच्छा, भविष्य को याद करो, भविष्य को 2 दिन बाद आपको ट्रेन में बैठना है, तो क्या अभी ये ट्रेन आ जाएगी? क्या अभी बैठ जाएंगे? फिर से याद करके ला रहे हैं, भविष्य को भी अभी ला रहे हैं, अतीत को भी अभी ला रहे हैं, अभी ला रहे हैं। अच्छा, अभी वो दोनों, अच्छा अभी आप ट्रेन भी बैठ नहीं सकते, अभी आप मकान भी नहीं बना सकते, कब बनाएंगे? 2 साल बाद। कब शादी करेंगे? 2 साल बाद। अभी तो नहीं कर पाएंगे ना। अच्छा, अभी लाने से क्या होगा, न तो शादी कर पा रहे हैं, न वर्तमान में जो करना चाहिए वो कर पा रहे हैं, सब बर्बादी होती है। गुरुदेव जी कहा करते थे, और इसी ये बोझ भी हो, ये बोझ है, जब उसकी याद करते हैं मन दबाव पूर्ण, अच्छा कैसे होगा, इतना बड़ा काम, इतना खर्चा आएगा, अब देखिए सोच रहा है, अब दबाव प्रेशर बनना शुरू हो गया। और इसी प्रकार पुरानी बात, उसने अपमान किया था, जैसे ख्याल किए उनके प्रति दुर्भावना शुरू हो गई, ऐसा किया वैसा, अच्छा याद नहीं था, उस समय मस्त थे आप, जैसे याद आई बस, कोई प्रेमी है, कोई प्रेमिका है, किसी की याद किए, अच्छा उसके पहले बिल्कुल रिलैक्स बैठा है ना, जैसे याद आई बस द्वंद शुरू। याद करने के पहले आप आराम से थे, जैसे याद आई द्वंद शुरू, 5 मिनट 10 मिनट आधा घंटा का द्वंद में रहे, अंत में छोड़ दिए, जैसे उससे अलग हुए फिर से आराम, ये होता है ना, फिर से आराम। पहले भी आराम में थे, अच्छे थे, और जब उससे आप अलग हुए फिर से आराम। देखिए ये बीच में काहे के झंझट में पड़े थे, हुआ था कि नहीं हुआ था, और किसको किए, वर्तमान को ही बर्बाद करते रह गए, खराब करते रह गए। ये जो हमारा मन भविष्य में, हमारा मन अतीत में जाता है, अब क्या करना है, यहीं पर उसको वर्तमान में लाना है। सद्गुरु श्री पूरन साहेब जी ने ये बात कही है, भूत भविष्य देहु बहाई, वर्तमान में बरतो भाई। ये पंक्ति साहेब की, भूत भविष्य देहु बहाई, वर्तमान में बरतो भाई। और गुरुदेव की पंक्ति है ये इसी प्रकार से, बीत गया सो मुर्दा है, आने वाला सपना है, जिसमें हम बंधन काटें वर्तमान समय अपना है। बीत गया क्या है, मुर्दा, लेकिन हम लोग मुर्दा को ढोते रहते हैं। सोचो किसी से बहुत प्रेम करता है, वो आदमी मर गया, अब उसको ढोए चले जा रहे हैं, कितना खराब लग, अरे भाई सड़ गया है छोड़ दो उसको, लेकिन हम सब तो मुर्दा खोर हैं, क्षमा करें, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन सच है कि नहीं है, वही है, ये होते रहता है। इसलिए वर्तमान में आओ, साधना यही है, वर्तमान में आओ, प्रेजेंट मोमेंट में रहो, यही तो साधना है। अब देखिए मन अतीत और भविष्य पेंडुलम की तरह घूम रहा है। सांस कब ले रहे हैं आप, सांस कब लेते हैं? मैंने कल कहा था ना, क्या आप कहेंगे आज से 2 साल पहले सांस लेते थे जी, अब तो वो चीज़ है नहीं है, आप कहेंगे क्या? ऐसा नहीं कह सकते, पहले सांस लेते थे, अच्छा ठीक है 2 साल बाद हो सकता है हमारा भाग खुले तो सांस लें, ऐसा भी नहीं कह सकते। क्या कहेंगे, सांस ले रहा हूँ। आप अभी सांस ले रहे हैं, इसका मतलब सांस प्रेजेंट में है, वर्तमान में है, मन वर्तमान में नहीं है,
मन वर्तमान में नहीं है। अब क्या कहना है, उसी मन को श्वास के साथ एसोसिएट कर दिए, संबंध बना दिए, जोड़ दिए। अब मन कहाँ आ गया, वर्तमान में। सहयोगी है कि नहीं है, सांस बाहर भी अंदर भी। आप अंतर यात्रा करेंगे तो सवारी तो चाहिए भाई, वो श्वास ही है जो अंदर का, मैंने कहा ना, आत्मा से भी जुड़ा है, शरीर से भी जुड़ा है, तभी तो हम जिंदा हैं, तभी तो जिंदा है। इतना महत्वपूर्ण है ये सांस, और मन से भी जुड़ा है सांस, मन से भी, मन की भावनाओं से जुड़ा है। जिस समय आदमी के अंदर में विकार जगते हैं, काम के, क्रोध के, श्वास की गति अलग होती है, श्वास की गति अलग होती है। और जिस समय आप के मन में पवित्र विचार आते हैं, श्वास की गति अलग होती। जापान में बच्चों को प्रारंभ से ही सिखाया जाता है, जब छोटे बच्चे जब क्रोध करते हैं तो कहते हैं श्वास को देखो, श्वास को देखो, जैसे श्वास देखते थे क्रोध खत्म होता है। आप भी कभी भी देख सकते हैं, जब भी आपके मन में कोई उद्वेग जगे श्वास को देखें, बस आप लौटाएंगे, सारा उद्वेग सारी मूर्छा इसी के नाते है। इसलिए श्वास को देखो, और इसीलिए वहाँ कहते हैं, मैंने सुना है किसी से कहते हुए, इस पूरी दुनिया में जो सबसे ज़्यादा गाली दी जाती है, कहाँ, किस देश में दी जाती है, ऐसा पता नहीं कैसे उन्होंने कहा, सबसे ज़्यादा गाली कहाँ दी जाती है, तो मैं डर रहा था कहीं भारत वाले को तो नहीं कहेंगे भाई, लेकिन बच गए। इजिप्त एक देश है छोटा सा, इजिप्त सबसे ज़्यादा गाली दी जाती है वहाँ, कोई सर्वे हुआ था, और सबसे कम जापान में, जापान में। तो मतलब यह है, ये तो जानकारी कहीं से मिली थी, कितना सच क्या है ये नहीं पता, लेकिन ये जो मैं कहना चाहता हूँ ये क्या है, जब आप सांस को जोड़ देते, अच्छा जोड़ेंगे कैसे ये भी समझ ले थोड़ा से। ये तो पता चल गया है कि सांस है और हम महसूस कर रहे हैं कि सांस आ रही जा रही, मन भी है ये भी समझ रहे हैं, क्योंकि हम याद करते हैं, कल्पना करते हैं, यही मन का प्रमाण है। दूसरी बात है जागरूकता, तीसरी बात है जागरूकता। जागरूकता, सावधानी, इसका मतलब क्या हुआ, जैसे मैं पूछूं अभी आप कहाँ बैठे हैं, आपको पता है, जागरूक हैं तभी तो बता सकते हैं, जागरूक हैं तभी तो बता सकते हैं। आपका नाम आप बता देंगे, इसका मतलब जागरूक हैं। आपका घर कहाँ है, यदि आप जागरूक ना हो, सावधान ना हो, होश में ना हो, तो बता पाएंगे, नहीं बता सकते हैं। इसका मतलब आपके पास में होश भी है, आपके पास में जागरूकता भी है, मतलब तीन है, क्या क्या, श्वास भी है, मन भी है, जागरूकता भी है, ये तीनों है। अब तीनों को जोड़ देना है, बस क्या करना है, मन को श्वास के साथ जोड़ेंगे, और ये जोड़ने वाला जो लाशा है ना, चिपकाने वाला गम गोंद, वो है जागरूकता। बस जब आप जागरूक होंगे सांस को देखेंगे। गुरुदेव जी भी कहा करते थे, रेलवे आर्ड में लिखा ही है, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। जब सावधान होंगे सांस से जुड़ जाएंगे, असावधान होंगे फिर भटक गया, फिर भटक गया। यही तो चंचलता है, इसी को कहते हैं चंचलता। का मतलब है जिस समय जो काम करना चाहिए वह न करके अन्य काम में लग जाना, अन्य विचारों को सोचने लग जाना, यही चंचलता है। अच्छा आज की नहीं है, सदा चंचलम ही मना कृष्ण परमाति बलवद्दृढ़म तस्याहम निग्रहम मन्ये वायुरु सुदुष्करम। गीता में बात आई है, चंचलम ही मना कृष्ण परमाति, प्रमथन स्वभाव वाला है ये भगवान, महान, बहुत चंचलम, प्रमथन, प्रमथम मथने वाला, जैसे दही मथा जाता है वैसे ही जब ये विचार आते तो मथ जाता हूँ भीतर से, प्रमथन चंचलम ही मना कृष्ण प्रमाति बलवद्दृढ़म, बलवान है, हठीला अदृढ़, दृढ़ हठीला है बलवद्दृढ़म, तस्यहम निग्रहम,
उसका निग्रह करना मन्य वायु सुदुष्कर्म, वायु को वश में करने के समान। अब ये बहुत पहले की बात है, गीता का वर्णन है ये। उस समय सचमुच वायु को वश में करना, आज तो कहते भाई ठीक है ट्यूब में भर देंगे, हमारे पास तो है पंप तो थोड़ा नियंत्रण हम कर लेंगे, लेकिन पहले तो ऐसा था नहीं वो यंत्र। तो वायु को वश में करना कठिन है, उतना ही कठिन ये मन को वश में करना है, सच है। लेकिन कृष्ण ने कहा, कृष्ण ने उनकी बातों का पोषण किया, उन्होंने कहा असंशयम महाबाहो दुर्निग्रहम चलम, असंशयम संदेह रहित, संशय नहीं है आपका कहना बिल्कुल सही, असंशयम महाबाहो, महाबाहो मतलब जिसकी भुजाएं लंबी हों, बड़ी बड़ी भुजाएं वाली, हो सकता है अर्जुन अजान बाहु का रहा हो तो इसलिए उन्होंने संबोधन किया, असंशयम महाबाहो दुर्निग्रहम चलम, दुर्निग्रह है इस चंचल मन को वश में करना, बड़ा चंचल है, दुर्निग्रह है, कठिन है, लेकिन रास्ता भी है। क्या रास्ता है? अभ्यासेन तु कौन्ते वैराग्येण च गृह्यते, अभ्यासेन तु कौन्ते, कौन्ते कुंती पुत्र, अभ्यासेन अभ्यास से, वैराग्येण वैराग्य, ये दो चीज़ें हैं, आगे चर्चा करेंगे इस पर। और अभ्यासेन तु वैराग्य, अभ्यास और वैराग्य, अभ्यास ये अभ्यास है, ये अभ्यास है, बार 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 अभ्यास क्या है, फिर वापस रिपीट, हम कहाँ आ रहे हैं श्वास से, भूल गए फिर आए, फिर आए। गुरुदेव जी कहा करते थे 10 बार भूल गए 11वीं बार आओ, 50 बार भूल गए 51वीं बार, 100 बार 101 बार, 1000 बार 1001 बार, जैसे आए खत्म, भूल खत्म, जैसे आए, जैसे वापस आए, होश आया खत्म, भूल वहीं मिटती है, वहीं मिटती है, जैसे होश आया बस ख्याल आ गया, ख्याल आया वो भूल खत्म हो गई। हम सबको यही करना है, आओ बैठे फिर से करें अभ्यास, फिर से करें। मन को श्वासों से जोड़ देना है, ध्यान में क्या कर रहे हैं, उसका ध्यान, अन्यों का ध्यान नहीं, जगत का ध्यान नहीं, लोगों का ध्यान नहीं, अभी तक तो यही कर रहे थे, लोगों का ध्यान कर रहे थे, मतलब ध्यान में हमारा वही आ रहे थे, प्राणी और पदार्थ या घटना, कोई व्यक्ति की याद आ गई, किसी वस्तु की याद आ गई, किसी प्राणी की याद आ गई, घटना की याद आ गई, वही ध्यान। जहाँ जहाँ आपका ध्यान जाता है वहीं वहीं आपकी ऊर्जा फ्लो होती है, आप यहाँ हैं लेकिन ध्यान वहाँ है तो आपकी ऊर्जा वहाँ चली गई, ऊर्जा विकीर्ण हो जाती है, इसलिए आवश्यकता है लौटें, अपने आप में लौटें, अपने आप में लौटें वापस, जस्ट ए कमिंग बैक, वापसी, घर के तरफ वापसी, बैक टू होम, वापस आ जाओ।
मन से पूछो, हे मन, जिन बातों की याद कर रहे हो, क्या इस समय उसकी आवश्यकता है? क्यों सोच रहे हो? क्या वह करना इस समय संभव है? नहीं है। फिर क्यों? हे मन, शांत रहो। जब समय आएगा कर लिया जाएगा। इस समय शांत मौन, किसी से कोई जुड़ाव नहीं, अकेलापन, मैं अकेला हूँ, शांत हूँ, पूर्ण विश्राम, पूरा रिलैक्स। पूर्ण विश्राम, शांत। गहरी शांति का अनुभव हम सभी करते हैं। सन्नाटा, अकेलापन, मौन, निस्तब्ध मन, अकंप मन, अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम्, अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम्।
अजराहम अमराहम अखंडम अनूपम अजराहम अमराहम अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान अजराहम अमराहम अखंडम अनूपम अजराहम अमराहम अखंड अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम अहम शुद्ध चैतन्य अजराहम अमराहम अखंडम अनूपम अजराहम अमराहम अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम अहम शुद्ध चैतन्य अजराहम अमराहम अखंडम अनूपम अजराहम अमराहम अखंड बस साहेब बंदगी।